अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। नमस्कार, मेरा नाम है फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। राज्यसभा सांसद का सीट खाली होते ही राज्य से दो लोगों को भेजने की बात हो रही है, एक मीसा भारती को, दूसरा हिना साहब का भी नाम जो है कि इन दिनों सुर्खियों में। हालांकि दो तीन दिनों से जिस तरह से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा सांसद के लिए जो है कि घोषणा हो रहा है उनको भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कि आधिकारिक जो है कि सूचना यह राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफिशियल तरीके से कोई इस तरह से सूचना नहीं मिला है। दौर चल रहा है सोशल मीडिया पर, लगातार हिना साहब को शुभकामनाएँ लोग दे रहे हैं, कई तरह की अफवाह फैलाया जा रहा है कि मैडम को जो है कि राज्यसभा भेज दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि सिवान की जनता क्या कुछ चाहती है। सिवान के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिवान की जनता क्या कुछ चाहती है, शहाबुद्दीन समर्थक जो हैं वो क्या चाहते हैं। अगर मैडम को राष्ट्रीय जनता दल अगर जो है कि राज्यसभा नहीं भेजती है तो फिर सिवान के लोगों का अगला जो रास्ता होगा। ये RJD को निर्णय लेना है कि किसको भेजना है या किसको नहीं भेजना है। अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप राय लेना चाहते हैं तो मैं सिवान में शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के बारे में यही कहूँगा कि जो भी विधानसभा सीट है और जो कुछ भी वो यहाँ से निकला वो सिर्फ है ना मैडम, ऐसा है कि हम लोग बहुत पुराने राजद के मेंबर हैं, टाइम से हम लोग राजद को सपोर्ट किए हैं। सन 1984 से हम लोग जब अवध बिहारी चौधरी यहाँ फर्स्ट टाइम उठे थे उसको से हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और बाद में शहाबुद्दीन साहब राजद के बहुत आगे लेकर गए। लेकिन जैसा उनको मिलना चाहिए, उनके खजना साहब को जो मिलना चाहिए, वो इंसाफ नहीं हो रहा है। बार बार उनको धोखा दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भाई उनको राष्ट्रपति मेंबर बनाया जाए। खजना साहब हमेशा राजद को सपोर्ट किए हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनको हम लोग तो बहुत पहले से चाह रहे हैं कि हिना साहब जाए राज्यसभा। अब उनको नहीं भेजा जाएगा तो उनसे सीनियर लीडर कौन है जिला में? वरना हरिशंकर बाबू भी हारते, बड़ैया से पांडे जी भी हारते और यहाँ पे श्री अवध बिहारी चौधरी जी भी हारते, तो उनका हक बनता है। और हक इसलिए बनता है कि शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे नेता थे जो दल बदलू का ठप्पा उन पे नहीं तो वह आज तक जिंदा होते और आराम से ऐश की ज़िंदगी जी। आज की डेट में ज़रूरत है, कल तक ज़रूरत नहीं थी, आज जो है ज़रूरत है, सिवान के आवाम की ज़रूरत है। ये शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए ज़रूरत हो या ना हो, सिवान के आवाम की ज़रूरत है। उनके समर्थकों की मांग है कि हिना साहब को जो है राज्यसभा भेजा जाए। सिवान की ज़रूरत है, सिवान को डेवलपमेंट के लिए, सिवान के विकास के लिए, बिहार में माइनॉरिटी के को एकजुट रखने के लिए, माइनॉरिटी की समस्या को जो है लड़ने के लिए, उठाने के लिए इस समय जो है मैडम हिना साहब को राज्यसभा भेजना। बिल्कुल राज्यसभा जाएंगी अगर लालू जी को अपना वफा याद होगा, अगर राजद के नेताओं को उनका वफा याद होगा, शहाबुद्दीन साहब का वफा, जो उन्होंने सब कुछ छोड़ के लालू जी का साथ दिया, राहुल जी का साथ दिया, पार्टी के लिए इतना कुछ किया, अगर उन लोगों को याद होगा तो उन लोगों को छोड़ कर अगर दूसरे को भेजने का कुछ सवाल हो रहा है, सही मांग हो रहा है, उनको तो भेजना चाहिए एकदम। मीसा भारती पहले 5 साल रह चुकी है, तेजस्वी यादव और पार्टी को क्या नुकसान होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा कोई किसी के साथ वफा नहीं करेगा। गद्दारों की जमात बनेगी, गद्दारी करेंगे, पैसे वाले लोग आएंगे और किसी भी पार्टी में पैसे देंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो एक लोकतंत्र पार्टी होनी चाहिए और लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनको वक्त बताएगा। शहाबुद्दीन साहब ने लास्ट इंटरव्यू दिया था कि हमारे समर्थक बताएंगे, तो समर्थक हमेशा तैयार। शहाबुद्दीन साहब के जो है जानने वाले हम लोग हैं, समझे कि वजह से हम लोग राजद को जो है, अगर मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा जाए तो फिर तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा? गलत ही स्टैंड हम लोग लेना ही पड़ेगा। मुस्लिम वोटर ही नहीं, हिंदू वोटर भी हैं जो शहाबुद्दीन साहब को बेहद चाहते हैं। और मैं पर्सनल, मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो जात की नहीं जमात, शहाबुद्दीन साहब के चलते हैं राजद में, किसी और के चलते नहीं है। अच्छा, अगर राष्ट्रीय जनता दल जो है अगर राज्यसभा नहीं भेजती है तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या कुछ स्टैंड होगा आप लोगों का? उसका तो रिजल्ट मिलेगा जब इलेक्शन आएगा तब मालूम चलेगा, पूरा बिहार से क्या रिजल्ट आएगा ये तो इलेक्शन के टाइम ही मालूम चलेगा। यानी मैडम हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के चलते आप लोग राजद के सपोर्टर हैं?
बेस बनाया ना शाहबुद्दीन साहब ने, बेस दिया राजद को। राजद को यह कौन जानता था? शाहबुद्दीन साहब के वजह से राजद को लोग जाना थे, उनको उनके वजह से हेरा साहब को जाना है। हम लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह ही लोग हेरा साहब को राजसभा में मेंबर बनाए, राजसभा में भेजे। अभी भी उन्होंने MLC में कितना मेहनत किया है, जायसवाल साहब को जिता करके, ये सब देखना चाहिए ना भाई। किस वजह से जीत सकते थे वो नहीं जीत सकते। अच्छा, राजद अगर मैडम को राज्यसभा नहीं भेजता है तो फिर क्या कुछ करने वाले हैं? अब हम लोग दूसरा ओपिनियन देखेंगे, अपना ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। इस तरह हम लोगों ने राजद को सपोर्ट किया, अगर इन्होंने नहीं भेजा राज्यसभा में अहिना साहब, तो हम ऑप्शन दूसरा देखें। शाहबुद्दीन समर्थक जो है वो तो हर बार ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम बताएंगे, लेकिन फिर चुनाव में वहीं के वहीं रह जाते हैं, ऐसा क्यों? कुछ हम लोग बस उम्मीद रहता है लालू जी से भाई कुछ करेंगे, लेकिन ये जो है आखिरी मौका है। इस दफा उन्होंने नेहरू साहब को अगर राज्यसभा में नहीं भेजा तो हम लोग दूसरा उपाय देखेंगे।